किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में अगर आप कल को अपने आप पर फक्र करना चाहते हो तो आज हार मत मानो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस चैनल बाय जेएस धंजू। यह कहानी है एक गरीब पेंटर की जो बहुत ही मेहनती था और अपनी पेंटिंग के प्रोफेशन में मास्टर था। वो जो भी पेंटिंग बनाता था उसे बड़ी बारीकी से बनाता था और उसमें जान डाल देता था। कभी कभार उसकी न्यूज न्यूज़पेपर में भी छपती थी, लेकिन उसे उसके आर्ट में, उसके प्रोफेशन में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी। इसी कारण वह कई बार परेशान हो जाता था कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी वह अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहता है। एक दिन एक मिलीनियर लेडी उस पेंटर के घर आती है और बोलती है कि उसने उस पेंटर के बारे में अखबारों में कई बार पढ़ा है कि वह बहुत ही अच्छी और कमाल की पेंटिंग बनाता है और वह उससे अपनी एक पेंटिंग बनवाना चाहती है। वह पेंटर अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है और लेडी को देखता है और समझ जाता है कि वह बहुत ही अमीर लेडी है। वह पेंटर अपने बारे में उस लेडी को कुछ बताना चाहता है, लेकिन वह लेडी उसे बोलती है कि वह उसके बारे में जानना नहीं बल्कि उसके काम को देखना चाहती है और उसे बोलती है कि वह उससे इस तरह का पोर्ट्रेट बनवाना चाहती है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में ना बनाया हो, और जो भी उसके घर पर लगे उस पोर्ट्रेट को देखे वह देखता ही रह जाए। उसने उसी समय पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया और कुछ ही घंटों में पोर्ट्रेट तैयार हो गया। वह मिलीनियर लेडी उस पेंटिंग को देखकर बहुत इंप्रेस होती है और बोलती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है जब पेंटर सोचता है कि $100 मांग लेता हूँ, फिर सोचता है कि क्यों ना $1,000 मांग लूँ, यह लेडी तो काफी अमीर लगती है। फिर वह सोचता है कि $1,000 मांगूंगा तो यह अमीर लेडी कहीं बुरा ही ना मान जाए, और वह धीमी सी आवाज में बोलता है कि जो आपको ठीक लगे आप दे दो। वह लेडी अपना पर्स उसे देते हुए बोलती है, आप यह रख लो, और अपनी पेंटिंग लेकर वहां से चली जाती है। वह जब उस पर्स को खोलता है तो वह देखता ही रह जाता है, उसमें $100 या $1,000 नहीं बल्कि $1,00,000 थे। कहानी मिलीनियर लेडी या पेंटर की नहीं है बल्कि हम सब की है। अगर उस पेंटर ने $1,000 मांग लिए होते तो उसे $1,00,000 कभी नहीं मिलते। अपनी कीमत हम नहीं जानते बल्कि वह गॉड अल्लाह वाहेगुरु जानता है। इसलिए मांगना छोड़कर अगर आप अपना काम पूरी लगन से कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए स्टूडेंट सक्सेस चैनल बाय जेएस धंजू को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।